नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज से हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस नए सेशन के अंदर हम लोग ओवर करंट एंड अर्थफॉल प्रोटेक्शन से संबंधित जितने भी थियोरेटिकल कंसेप्ट है उसको एक एक करके समझेंगे, और फिर उसको कैसे हम न्यूमेरिकल रिले में इंप्लीमेंट करते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या चीजें हमें ध्यान देनी होती है न्यूमेरिकल रिले के टाइम पर इंप्लीमेंटेशन में, और क्या चीजें हमें ध्यान देनी होती है जब हम टेस्टिंग करते हैं न्यूमेरिकल रिले का फॉर ओवर करंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन उस टाइम पर। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले के थ्रू, और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे IDMT का स्टैंडर्ड इनवर्स, एक्सट्रीमली इनवर्स या फिर लॉन्ग टर्म इनवर्स, शॉर्ट टर्म इनवर्स, ये क्या होते हैं और क्यों इनको यूज किया जाता है, इसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए अब बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम पहले आज के सेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली आज के सेशंस में और आने वाले जो भी कुछ 5-6 सेशन जितने भी इसमें लगेंगे उसके अंदर हम इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक सेशन 30 to 40 मिनट्स के आसपास का हो, जिससे कि हम आराम से सहजता के साथ सभी चीजों को समझ सके और उसको फिर इम्प्लीमेंट कर सके। तो जो अपना आउटलाइन रहेगा उसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओवर करेंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या चीज है, उसके बाद की इंस्टेंटेनियस टाइम डिलेड और IDMT ओवर करेंट या अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है उसका क्या कंसेप्ट है, क्या हाँ हमें यूज करना होता है, कैसे हम यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ IDMT कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और क्यों डिफरेंट टाइप्स ऑफ IDMT कैरेक्टरिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट आती है। फिर हम बात करेंगे नॉन डायरेक्शनल ओवर करेंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के केस में प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन की, उसके बाद डायरेक्शनल ओवर करेंट और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है इसकी क्यों रिक्वायरमेंट आती है और क्या चीजें ध्यान देना होता है अगर हम डायरेक्शनल ओवर करेंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशन एग्जांपल्स ओवर करंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के थ्रू और उनके सेटिंग गाइडलाइंस कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर हम कैसे ओवर करंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, क्या चीजें हमें सेटिंग्स में ध्यान देनी होती है। फिर हम प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन के कुछ चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले के माध्यम से। फिर डायरेक्शनल रिलेटेड रिले से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है जैसे कि पोलराइजिंग क्वांटिटीज क्या होता है, RCA क्या है, ROA क्या है, तो इसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है जो कि आपका बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के टाइम पर यूज होता था, जिसको कि हम कहते थे MTA या मैक्सिमम टॉर्क एंगल, तो वो क्या होता है उसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर हम फाइनली लास्ट के दो टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शनल ओवर करंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मेक के न्यूमेरिकल रिले जैसे ABB, सीमेंस, GE, NR, स्नाइडर, अल्स्टॉम, इनमें कैसे हम सेटिंग्स इंप्लीमेंट करते हैं, क्या चीजें ध्यान देने वाली होती है और किन चीजों को ध्यान में रख करके हम अपने सिस्टम के अंदर मिस ऑपरेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे निगेटिव सीक्वेंस ओवर करंट का। होपफुली 6 to 7 सेशंस में ये सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है कि नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट अर्थ फॉल्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले आपको पता है कि हम जब भी किसी प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उस प्रोटेक्शन की 4-5 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, और ये हमने स्टार्टिंग के अपने एक सेशन में भी डिस्कस किया था कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपका क्या है। कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये होता है कि कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम जो हम लगाते हैं तो वो एबनॉर्मल कंडीशंस को डिटेक्ट कर सके और फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट कर सके विद मिनिमम पॉसिबल टाइम। मिनिमम पॉसिबल टाइम का मीन्स कि उसका स्पीड फास्ट होना चाहिए। फास्ट स्पीड होने का मतलब क्या है कि पॉसिबल डैमेज को और डेंजर को दोनों को मिनिमाइज करता है। कैसे डैमेज को मिनिमाइज करता है, क्योंकि आपको पता है जितना फास्ट रिले ऑपरेट होगा टाइम ऑफ ऑपरेशन जितना कम है I²RT उतना कम होगा और फाइनली उतना कम वहां पर थर्मल डैमेज होने के चांसेस है। तो ये एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा तरीका स्टेबिलिटी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। फिर होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि जो भी प्रोटेक्शन सिस्टम हम लगा रहे हैं वो सिर्फ फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट करे, ना कि पूरे पावर सिस्टम को। हेल्दी सेक्शन हमेशा सर्विस में होना चाहिए और सिर्फ फॉल्टी सेक्शन आइसोलेट होना चाहिए। डिपेंडेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। ये सभी चीज़ों के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ, इसीलिए उसके बारे में दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। अब हम बात करते हैं कि ओवर करंट रिले
एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल के थ्रू पहले हम समझते हैं कि ओवरक्रेन रिले का क्या मतलब है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो स्लाइड है ये बेसिकली एक SEL की एक स्लाइड थी गूगल से, उससे ही मैंने लिया हुआ है। तो ओवरकरंट रिले अगर आप देखें कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये वाला से पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते हैं कि इस बस के ऊपर हमने एक कोई रिले लगाया हुआ है, और इस रिले को मान लीजिए कि आप ये जो भी रिले है ये रिले आपके एक ओवर करंट बेस्ड रिले है, और ये रिले आपके यहाँ पर जो भी रिले है वो मेजर कर रही है कि इस पॉइंट पर कितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये इन दो चीजों को मेजर कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक ओवर करंट रिले है, मीन सिर्फ करंट मेजर करना है, तो आपका इस पॉइंट पर जो भी रिले करंट मेजर करेगा वो करंट कितना होगा, करंट होगा कि यहाँ पर इसका जो भी वोल्टेज है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का जो भी इम्पिडेंस है। तो अगर हम नॉर्मल टाइम पे बात करें जो कि लोड आपका इम्पीडेंस है, तो लोड इम्पीडेंस आप यहाँ से देख सकते हैं, लोड इम्पीडेंस कितना होगा, टोटल वोल्टेज जो भी यहाँ पर वोल्टेज है, मान लेते हैं कि ये वाला जो वोल्टेज है वो ई है, तो ई डिवाइडेड बाय जो भी हमारे सोर्स का इम्पीडेंस है वो सॉरी प्लस लोड का इम्पीडेंस प्लस लाइन का इम्पीडेंस, तो दैट मीन्स टोटल लोड करंट इज ई डिवाइडेड बाई जेड सोर्स प्लस लाइन प्लस लोड। और जब फॉल्ट होगा, फॉल्ट के केस में आपका क्योंकि पाथ छोटा हो गया तो अभी यहाँ तक का जो लाइन का इम्पीडेंस है, मान लेते हैं कि पोर्शन एम है, तो एम टाइम्स जेड एल या एम टाइम्स जेड लाइन, और सिर्फ सोर्स इम्पीडेंस तो इतना ही पिक्चर में रहेगा, लोड वाला पोर्शन आउट है क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट आ गया, तो ये आपका जो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ होता है वहीं से करंट फ्लो होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल करंट जो भी होगा वो कितना होगा, ई डिवाइडेड बाई जेड सोर्स प्लस एम जेड लाइन। और अगर आप पहले के कंपेरिजन में ये देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो इम्पिडेंस है वो क्योंकि कम हो गया, तो फॉल्ट करंट जनरली लोड करंट से बहुत ज्यादा होगा, और इसी के बेसिस पर ओवर करंट प्रोटेक्शन डिजाइन किया जाता है, जिसके अंदर कि हम ये कहते हैं कि अगर आपका फॉल्ट करंट लोड करंट से ज्यादा है तो हम एक ओवर करंट बेस्ड प्रोटेक्शन डिजाइन कर सकते हैं। और यही इसकी लिमिटेशन भी है कि अगर आपका फॉल्ट करंट और लोड करंट ऑलमोस्ट इक्वल है या बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहा है फॉल्ट करंट और लोड करंट के बीच में, तो आपका ओवर करंट जो है वो प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हम एक ऐसा प्रोटेक्शन डिजाइन करेंगे आने वाले स्लाइड्स में आप देखेंगे जो कि सिर्फ अगर मान लीजिए कि एक करंट के बेसिस पर कि करंट लोड से 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है तो हमारे रिले ऑपरेट करनी चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि एक कोई हाई रेजिस्टिव फॉल्ट है और उसमें फॉल्ट करंट लोड करंट के इक्विवेलेंट है, तो वहां पर ओवर करंट ऑपरेशन के अंदर चैलेंजेस प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन की, अगर हम जैसे यहाँ पर पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे कि आपका ओवर करंट डिसाइड होता है कि फॉल्ट करंट लोड करंट से बहुत ज्यादा है, तो अगर हम इसके बेसिस पे कोऑर्डिनेशन करने की बात करें तो हमारा दो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट आपका था कि एबनॉर्मल कंडीशंस को डिटेक्ट करना है और दूसरा आइसोलेट करना है फॉल्टी पार्ट ऑफ द सिस्टम को। एबनॉर्मल कंडीशन को डिटेक्ट कर रहे हैं हम करंट के थ्रू, और फॉल्टी पार्ट को अगर हमें आइसोलेट करना है तो उसका मतलब क्या है कि अगर सपोज फॉल्ट F3 लोकेशन पर है तो हमारा सिर्फ ये वाला फीडर ट्रिप होना चाहिए, फॉल्ट अगर F2 लोकेशन पर है तो ये फीडर ट्रिप होना चाहिए, मतलब आपके बाकी जितने भी फीडर्स हैं वो सर्विस में रहेंगे, अगर फॉल्ट F1 लोकेशन पे है तो आपका ये फाइनली सोर्स साइड में या ये वाला फीडर जो भी है वो आपका ट्रिप होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ही यही है कि हम प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन इस टाइप से करते हैं कि जो भी आपका रिले है नियरेस्ट टू फॉल्ट वो सबसे पहले ऑपरेट होना चाहिए, और फिर उसके बाद जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका टाइम उस टाइप से बढ़ता जाएगा। ये हमने डिस्टेंस के केस में भी बात की थी, जब हमने जोन 1 जोन 2 जोन 3 की बात की थी तब भी हमने ये बात की थी, और आज फिर से हम इसको एक बार समझेंगे आगे के स्लाइड्स में। अब अगर हमें सिर्फ मान लीजिए कि एक फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट करना है और करंट के बेसिस पे आइसोलेट करना है, तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सबसे सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है फ्यूज। फ्यूज क्या करेगा कि अगर मान लीजिए कि एक फ्यूज की कोई भी रेटिंग है, मान लीजिए फ्यूज की रेटिंग है 10 एम्पियर, तो जब भी करंट 10 एम्पियर से ऊपर जाएगा तो वो फ्यूज ब्लो हो जाता है और उस पर्टिकुलर सेक्शन से आपका करंट फ्लो बंद हो जाएगा। तो दैट मीन्स फ्यूज जो है एक फॉल्ट क्लियर करने के लिए हम डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं, जिसका कि ऑपरेशन बहुत फास्ट हो सकता है, मतलब जितना ज्यादा लार्ज करंट होगा सपोज 10 to 20 मिलीसेकंड्स में जनरली फ्यूज ऑपरेट हो जाता है और बहुत फास्ट फॉल्ट क्लियरेंस देता है। बट फ्यूज के केस में प्रॉब्लम क्या है, सपोज यही सेम कंडीशन मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर फॉल्ट है और दो फ्यूज लगाया हुआ है, एक फर्स्ट सेक्शन के लिए और एक सेकेंड सेक्शन के लिए,
तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो भी फॉल्ट करंट है, सपोज ये फॉल्ट करंट आपका कुछ भी है, मान लेते हैं कि ये फॉल्ट करंट जो हमारे यहाँ पर है वो है 10 एम्पियर। अब अगर फॉल्ट करंट आपका 10 एम्पियर है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला फ्यूज है वो आपका 10 एम्पियर के ऊपर, या जैसे ही 10 एम्पियर क्रॉस करेगा तो ये वाला फ्यूज ब्लो हो जाना चाहिए, और इस वाले फ्यूज के लिए आप उससे ज्यादा आपको करंट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर भी मान लीजिए 10, 12, 15 ऐसा कुछ रखा है तो आपका कोऑर्डिनेशन सक्सेसफुल नहीं रहता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ्यूज के लिए, फ्यूज की एक फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है कि करंट इस पर्टिकुलर रेटिंग से ज्यादा जाएगा तो फ्यूज ब्लो हो जाएगा। तो अब अगर हमें अच्छा कोऑर्डिनेशन करना है तो हमें क्या चाहिए, इस फ्यूज के कंपेरिजन में यहाँ वाले फ्यूज की रेटिंग एटलीस्ट आपका 1.5 to 2 times होना चाहिए। अगर 2 times है तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ का पहले ऑपरेट होगा, और उसके बाद ये अगर ये फ्यूज आपका मान लीजिए ऑपरेट हो गया तो ऐसे ही फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर फॉल्ट यहाँ पर है तो ये वाला फ्यूज ऑपरेट नहीं होगा, और सिर्फ यहाँ का मतलब फ्यूज ए जो है वो ऑपरेट होगा। तो फ्यूज के केस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये है कि फ्यूज का एक फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक है, और फिक्स कैरेक्टरिस्टिक से क्या प्रॉब्लम होता है ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे जब IDMT को, तब आपको समझ में आएगा। बेसिकली फिक्स कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि जब भी एक पर्टिकुलर रेटेड से करेंट से ज्यादा होगा तभी फ्यूज ऑपरेट होगा, जबकि जब भी हम ओवर करेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, किसी भी टाइप की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं कि जो इक्विपमेंट है उसका थर्मल डैमेज ना हो, उसका इंसुलेशन डैमेज ना हो, उससे पहले हमारा प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाए। दैट मीन्स आपको पता है कि कभी भी किसी वायर के थ्रू जब करंट फ्लो हो रहा है तो हीटिंग होगा, और हीट मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वो हीटिंग बढ़ रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर वो हीट काफी ज्यादा है तो उसके थर्मल लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, और वो इक्विपमेंट जो है उसके डैमेज होने के चांसेज है। दैट मीन्स कम टाइम के लिए अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो कम डैमेज होने के चांसेज है, और ज्यादा टाइम के लिए अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ज्यादा डैमेज होने के चांसेज है, एक चीज है। दूसरा चीज, अगर करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो वो कम टाइम में भी आपका टेम्परेचर राइज करेगा और कम टाइम में भी डैमेज हो सकता है। लेकिन फ्यूज में हम इस टाइप के अलग अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक सेट नहीं कर सकते, फ्यूज एक फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक पे ही काम करेगा कि इस करंट से ज्यादा है तो ऑपरेट कर जाना चाहिए। और मेन एक और जो प्रॉब्लम है वो है कि अगर आपका फॉल्ट क्लियर हो जाता है तो फॉल्ट क्लियर होने के बाद भी आपका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रह जाता है कि हर एक बार फ्यूज को जो है वो रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। तो कभी भी सिस्टम में अगर हमारा मान लेते हैं कि फॉल्ट क्लियर भी हो गया तो उसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम रह जाती है, और वो रहती है कि आपका जो फ्यूज है उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता बनी रहती है। तो इसको रिप्लेस करने की आवश्यकता बनी रहने के कारण से डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर यूज किया जाता है, बट वहां पर भी ऑपरेटर्स का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम करते हैं। तो बेसिकली ओवर करंट प्रोटेक्शंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, दो इसके मेन प्रिंसिपल्स है, एक ऑपरेटिंग स्पीड के बेसिस पर हम बोलते हैं, और दूसरा हम बोलते हैं ओवर करंट का डिस्क्रिमिनेशन आपको करंट और टाइम के बेसिस पर। ऑपरेटिंग स्पीड के बेसिस पर दो टाइप के ओवर करंट प्रोटेक्शंस होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस और दूसरा होता है टाइम डिलेड। टाइम डिलेड के अंदर फिर से डेफिनेट टाइम एंड IDMT आता है। ओवरकरंट प्रोटेक्शन अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो करंट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, जैसा कि हम पीछे भी देख रहे थे कि अगर करंट एक सपोज 10 एम्पियर से ज्यादा है तो रिले ऑपरेट होनी चाहिए, 5 एम्पियर से ज्यादा है तो ऑपरेट होनी चाहिए, दैट मीन्स हम एक करंट की बात कर रहे हैं। दूसरा होता है टाइम सेटिंग। हम जब फ्यूज की बात करते हैं तो फ्यूज में हम कुछ टाइम सेट नहीं कर सकते, फ्यूज अपने एक फिक्स टाइम के बाद कैरेक्टरिस्टिक जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है उसके बाद ऑपरेट होना ही होना है। लेकिन अगर हम एक रिले ले लेते हैं तो उस रिले के अंदर हम ये टाइम सेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉल्ट के लिए हम 1 सेकेंड तक फॉल्ट करेंट को अलाउ कर सकते हैं, या 0.5 सेकेंड तक अलाउ कर सकते हैं, या 2 सेकेंड तक। तो दैट मीन्स टाइम सेटिंग। कभी कभी हम डिस्क्रिमिनेशन करंट एंड टाइम दोनों के बेसिस पर करते हैं, तो हम उसको भी देखेंगे कि वो दोनों के बेसिस पर कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। जनरली ओवर करंट प्रोटेक्शन जो भी है वो चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन रिलेज होता है। अब हम बात करते हैं कि ओवर करंट प्रोटेक्शन अगर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रिलेज के थ्रू, तो इंस्टेंटेनियस रिले का मतलब क्या है कि ये हमारा एक पावर सिस्टम है। इस पावर सिस्टम में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक दो लाइनों की बात कर रहे हैं, एक बी और एक ए, जो हमारे दो आपके
रिलेज हैं दोनों बस के ऊपर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर जो बस है, बी रिले और ए रिले दोनों इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले है। बेसिकली 50 मीन्स होता है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। मान लेते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर फॉल्ट है तो इस फॉल्ट के केस में रिले ए ऑपरेट होनी चाहिए, तो हम रिले ए के लिए अभी क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है तो जैसे यहाँ पर फॉल्ट है और ये करंट IF1 से ज्यादा फॉल्ट करंट है तो रिले ए ऑपरेट हो जाएगी। लाइक वाइज अगर आपका फॉल्ट इस कहीं लोकेशन पर है और इस रिले की सेटिंग अगर IF2 से ज्यादा है और फॉल्ट करंट IF2 से जैसे ही क्रॉस करेगा ये रिले इंस्टेंटेनियस ऑपरेट हो जाएगी। आपकी जितनी भी ग्रेडिंग है वो फॉल्ट करंट के टर्म्स में है। मींस यहाँ पर मान लेते हैं कि करंट अगर IF1 हमारा है, सपोज हम कुछ भी मान लेते हैं कि सपोज करंट IF1 जो है वो मान लेते हैं 10 है और सपोज करंट IF2 जो है वो मान लेते हैं 15 है, तो इस केस में क्या होगा कि जब भी करंट 10 एम्पियर से ज्यादा सेकेंडरी में आएगा तो रिले ए ऑपरेट होगी और जब भी करंट 15 एम्पियर से ज्यादा है तो हम ये मान लेते हैं कि ये वाली रिले बी वाली रिले ऑपरेट होनी चाहिए। हालांकि ये जो भी हमने अभी डिसाइड किया है कि IF2 15 है या IF1 10 है वो बेसिकली हम सिर्फ अभी ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ अलग अलग है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि हमने इस रिले की सेटिंग दोनों रिले की सेटिंग हमने इस टाइप से की है कि यहाँ वाले रिले की जो सेटिंग है वो आपका 15 एम्पियर पे है और यहाँ वाले रिले की सेटिंग 10 एम्पियर पे है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई फॉल्ट आया और इस फॉल्ट में आपका करंट जो है वो 16 एम्पियर आ गया। अब 16 एम्पियर क्या है? 16 एम्पियर जो है वो इसके सेटिंग से भी ज्यादा है और इसके सेटिंग से भी ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही फीडर्स ट्रिप हो सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर हमारे IF1 और IF2 के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मीन्स IF1 और IF2 अगर बराबर है तो हम इंस्टेंटेनियस रिले के थ्रू, इंस्टेंटेनियस ओवर करेंट रिले के थ्रू कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, हम डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर सकते। हम कब डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? जब दोनों के लिए फॉल्ट करंट अलग अलग है। मीन्स अगर IF1 IF2 अलग अलग है तब तो हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर IF1 और IF2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो इस केस में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता है। इंस्टेंटेनियस के बाद नेक्स्ट टाइप का जो रिले आता है उसको कहते हैं टाइम डिले, और उसमें पहला टाइप है डेफिनेट टाइम डिले। नाम से आपको पता चल रहा है डेफिनेट टाइम का मतलब क्या है कि हम एक करंट की सेटिंग सेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यही पिछला वाला केस है। इस पिछले वाले केस में मान लेते हैं कि हम यहाँ पर फिर से सेम फॉल्ट मानते हैं कि इस फॉल्ट के केस में आपका करंट जो है वो है 16 एम्पियर। अब इस 16 एम्पियर के लिए हम डेफिनेट टाइम में क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इस वाले रिले का अगर अपना ऑपरेटिंग टाइम है 200 मिली सेकेंड, तो हम यहाँ की रिले की ऑपरेटिंग टाइम जो है ये इस रिले के ऑपरेटिंग टाइम से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, जो कि अभी मैं बात करूंगा कि किस बेसिस पे करते हैं। मान लेते हैं इसका टाइम डिले आ जाएगा 400 मिली सेकेंड, तो अब क्या होगा? ऑल्दो आपका IF1 IF2 सेम है, मीन्स अगर यहाँ पर फॉल्ट है तो यही सेम करंट फ्लो हो रहा है रिले वन से भी, मतलब रिले बी से भी और रिले ए से भी सेम करंट, पर उस करंट के केस में पहले ये रिले ऑपरेट होगी और जैसे ये रिले ऑपरेट होगी तो आपका क्योंकि फॉल्ट यहाँ पर है तो ये फॉल्ट आइसोलेट हो जाएगा और इस फॉल्ट के आइसोलेट होने से ये वाला सेक्शन बच जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये रिले किसी भी कारण से ऑपरेट नहीं होती है तो फाइनली ये रिले ऑपरेट होगी आफ्टर 400 मिलीसेकंड और आपका फॉल्ट क्लियर हो जाता है। तो डेफिनेट टाइम का मतलब है कि हमने सिंपल एक डेफिनेट टाइम फिक्स किया है कि इस टाइम के बाद आपकी रिले ऑपरेट हो जानी चाहिए, और अगर इस टाइम के बाद हमारी रिले ऑपरेट हो जाती है तो हमारे लिए सारा काम आसान हो जाता है। वही सेम जो मैं एग्जाम्पल अभी बता रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया था 50 होता है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट, और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो होता है 51 51 होता है आपका डेफिनेट टाइम या टाइम डिलेड ओवर करंट प्रोटेक्शन रिलेज। तो अभी एग्जैक्टली सेम चीज जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि आपका 51 रिले यहाँ पर लगाया है, मान लेते हैं इसकी ऑपरेटिंग टाइम अगर 0.5 सेकेंड है तो इसकी ऑपरेटिंग टाइम 0.9 सेकेंड होगी इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, कि मतलब अब ये जो है आपने एक बार करंट का कुछ भी अमाउंट सेट कर दिया कि 2 एम्पियर से ज्यादा करंट पे ऑपरेट होगी, तो अब इसको ये नहीं देखना है कि 3 एम्पियर आया या 4 एम्पियर आ गया या 10 एम्पियर आ गया तो हमने 10 एम्पियर पे कम करना है। ये हर बार 2 एम्पियर से ऊपर, चाहे 2 एम्पियर से ऊपर आपका 10 एम्पियर भी आएगा तो भी 0.5 सेकंड पे काम करेगा,
और अगर वो 2.1 एम्पेयर भी है तो भी 0.5 सेकंड पे काम करेगा। तो यहाँ से आपको एक इसकी ड्रॉबैक समझ में आ रही होगी कि हाई करंट के टाइम पर भी, मतलब बहुत ज्यादा करंट भी है तो भी टाइम ऑफ ऑपरेशन जो है वो आपका 0.5 सेकंड ही रहने वाला है। तो एक तो ये इसकी लिमिटेशंस है कि आपका बहुत हाई करंट में हम चाहते हैं कि हमारा फॉल्ट जल्दी आइसोलेट हो जाए, लेकिन फिर भी एक ही जो मिनिमम टाइम है उसके बाद ही ऑपरेट होगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि आप यहाँ पर देखेंगे इस रिले के ऑपरेटिंग टाइम है 0.5 जबकि इस रिले के ऑपरेटिंग टाइम है 0.9। और हमें पता है कि जब भी कोई फॉल्ट सोर्स के पास होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई फॉल्ट होता है, तो उस फॉल्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा आई एफ, मान लेते हैं ये 2 है और यहाँ पर जो फॉल्ट था इसका मान लेते हैं कि करंट जो है वो है आई एफ 1, तो हमें पता है कि आई एफ 2 जो रहने वाला है वो हमेशा आई एफ 1 से ज्यादा रहेगा क्योंकि वो सोर्स के ज्यादा नियरर है अगर हम रेडियल फील्ड की बात कर रहे हैं। तो आई एफ 2 सोर्स के ज्यादा पास होने के बावजूद भी टाइम ऑफ ऑपरेशन जो है वो आई एफ 1 के मीन्स इस रिले के कंपेरिजन में टाइम ऑफ ऑपरेशन ज्यादा रहता है। तो अगर हम डेफिनेट टाइम के थ्रू कोऑर्डिनेशन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, फॉल्ट नियरर टू जो भी सोर्स होगा या क्लोजर टू जो सोर्स होगा उसका ऑपरेटिंग टाइम ज्यादा होगा। तो यही यहाँ पर लिखा है, लॉन्गेस्ट ऑपरेटिंग टाइम इज एट द सोर्स वेयर फॉल्ट लेवल इज हाईएस्ट। नेक्स्ट आता है ओवर करंट अर्थ फॉल्ट के केस में ही कि अगर हम, अब हमने देख लिया कि हम 50 को भी यूज नहीं कर सकते इंस्टेंटेनियस को और हम टाइम डिलेड को भी यूज नहीं कर सकते डेफिनेट टाइम डिले को, क्योंकि डेफिनेट टाइम डिले के केस में हमारा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, तो थर्ड टाइप है कि हम यूज कर सकते हैं ऐसा प्रोटेक्शन जो कि करंट और टाइम दोनों को साथ में लेकर के चले। दैट मीन्स कि अगर करंट का वैल्यू ज्यादा है तो कम टाइम में ऑपरेट हो जाए और करंट का वैल्यू कम है तो ज्यादा टाइम में ऑपरेट हो जाए। मीन्स दो कंडीशंस, पहला तो ये भी करंट को तो चेक करेगा ही कि करंट एक सेट वैल्यू से ज्यादा है तो ऑपरेट हो, लेकिन करंट की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो टाइम ऑफ ऑपरेशन कम रहेगा, अगर करंट की वैल्यू कम है तो टाइम ऑफ ऑपरेशन जो है वो ज्यादा रहेगा। और इसी के बेसिस पर यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये अप्लाइड करंट, अभी मैं बात करूंगा अप्लाइड करंट का क्या मतलब है, अप्लाइड करंट का मतलब है कि मान लीजिए कि हमने रिले की सेटिंग की है आई एफ 1 इक्वल टू एनीथिंग सपोज 10 एम्पियर, और अप्लाइड करंट का मतलब होता है कि अगर जो हमारा एक्चुअल फॉल्ट करंट है वो आ गया मान लीजिए 20 एम्पियर, तो 20 एम्पियर का मतलब इसको अप्लाइड फॉल्ट करंट को प्लग मल्टीप्लायर सेटिंग्स भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर PSM, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का मतलब होता है कितना आपका फॉल्ट करंट आया डिवाइडेड बाय कितनी आपकी रिले की सेटिंग है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम बोल सकते हैं कि रिले की सेटिंग जो है वो 10 है, फॉल्ट करंट 20 है, तो दैट मींस PSM जो है PSM वो आपका 2 है, तो दैट मींस अप्लाइड करंट अगर 2 टाइम्स है तो आपका टाइम ऑफ ऑपरेशन सपोज समथिंग यहाँ पर आएगा, अगर हमारा अप्लाइड करंट सपोज 5 टाइम्स है तो हो सकता है टाइम ऑफ ऑपरेशन यहाँ कहीं पर आएगा। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर टाइम जो है टाइम ऑफ ऑपरेशन अलग अलग आता है। लेकिन अब बात यह आती है कि हम इसी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक क्यों सर्च करते हैं कि हाई करंट पर कम टाइम, लो करंट पर ज्यादा टाइम। तो अभी मैंने ब्रीफली पीछे भी बताया था और फिर से बता देता हूं एक बार कि जो भी अपना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, अगर आप उसको बिल्कुल छोटे टर्म में समझने की कोशिश करें तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम, जो भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके अंदर सिंपल क्या है कि एक वायर है और उस वायर का मान लेते हैं कि उस जो भी वायर है उस वायर का अपना कुछ इंसुलेशन होगा। इंसुलेशन हमें पता है कि जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे जो इंसुलेशन है वो डिग्रेड होना शुरू होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर टेम्परेचर अभी भी राइज कर रहा है तो हो सकता है कि आपका इंसुलेशन परमानेंट डैमेज हो जाए। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर फॉल्ट करंट है, तो इस पर्टिकुलर फॉल्ट करंट में जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक टाइम के बाद ये एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर जाने के बाद ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट या सैचुरेशन पॉइंट ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पर मान लेते हैं कि ये टाइम है और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर है, तो अगर ये फॉल्ट करंट, इस फॉल्ट करंट को मान लेते हैं कि आई वन फॉल्ट करंट है, तो आई वन फॉल्ट करंट अगर है तो आपका इतने टाइम के बाद ये हो सकता है कि टेम्परेचर जो है वो अपने इंसुलेशन लिमिट पर पहुंच गया है, और इससे ज्यादा अगर होगा तो ये इक्विपमेंट डैमेज होने के चांस है। मान लेते हैं कि दूसरा फॉल्ट करंट आई टू है,
और ये हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है, मतलब यहाँ तक ही इंसुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। मान लीजिए दूसरा फॉल्ट करंट जो I2 है वो कुछ इस टाइप से जा रहा है। अगर I2 की आप बात करें तो I2 में आप देख सकते हैं, अगर I1 के केस में इतना टाइम लग रहा था तो I2 के केस में इस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए आपको T2 टाइम लगेगा, और I2 क्या है, ग्रेटर देन I1। अगर हम मान लेते हैं कि I0 है, ये I0, तो I0 के केस में क्या होगा, I0 जो है वो I1 से ज्यादा है, और I0 के केस में आपका जो टाइम है वो इतना कुछ रहेगा। इसी टाइप से अगर मान लेते हैं कि हम एक और करंट है जो कि बहुत ज्यादा है, तो उस केस में बहुत जल्दी आपका इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है T3। तो हम यहां से क्या देखते हैं कि आपका अगर फॉल्ट करंट ज्यादा है, मीन्स हम अगर यहाँ कहीं पर इस साइड में मान लेते हैं कि फॉल्ट करंट को हम प्लॉट करते हैं कि हमारा फॉल्ट करंट इधर कहीं पर है, कि फॉल्ट करंट हमारा ज्यादा जा रहा है, तो इक्विपमेंट के डैमेज होने के चांसेस जो है वो उतने कम, उतनी जल्दी डैमेज होने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये I3 जो है, जब I3 है मीन्स फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा है, तो टाइम ऑफ ऑपरेशन मतलब इक्विपमेंट डैमेज जल्दी होगा। अगर हमने I2 ले लिया तो हो सकता है कि कम टाइम पर हो। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो एक इस टाइप का हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक बन के आएगा। दैट मीन्स कि अगर आपका करंट ज्यादा है तो इतने टाइम पर ये इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, करंट थोड़ा कम हो गया तो ज्यादा देर तक चल सकता है, करंट थोड़ा और कम हो गया और ज्यादा देर तक चल सकता है, करंट थोड़ा और कम हो गया तो ये और ज्यादा देर तक चल सकता है। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट करंट फॉल्ट करंट मैग्नीट्यूड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में इक्विपमेंट के डैमेज होने के चांसेस है। तो अगर आप देखें कि अब हमारा क्या पर्पज है कि जो भी हम प्रोटेक्शन रिले यूज करेंगे उस प्रोटेक्शन रिले का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, इस डैमेज कर्व को, इस कर्व को बोलते हैं डैमेज कर्व, इक्विपमेंट डैमेज कर्व। तो जो भी हम प्रोटेक्शन रिले यूज करने वाले हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक इस डैमेज कर्व के साथ मैच होना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर मैं कोई रिले बनाता हूं उसका कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं इस टाइप से बना लूं जो कि हर पॉइंट पर इस डैमेज कर्व के साथ एक फिक्स टाइम मेंटेन कर रहा है, फिक्स टाइम मीन्स कोऑर्डिनेशन टाइम, कि ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही डैमेज कर्व के एकदम बराबर बराबर में ही अपना रिले डिजाइन कर लेते हैं, तो चांसेस ये है कि हम थोड़ा बहुत भी अगर मार्जिन है तो हमारा इक्विपमेंट जल्दी फेल हो जाएगा एज कम्पेयर टू रिले ऑपरेशन। तो हमारा जो डैमेज कर्व है वो डैमेज कर्व कैसा है, इस टाइप का है। इसीलिए जब हम IDMT कैरेक्टरिस्टिक के किसी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो वो भी एग्जैक्टली इसी से मैच होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक रिले के ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक और डैमेज कर्व के जो बीच में है वो एक फिक्स टाइम गैप होना चाहिए, जिसको कि कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल कहते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली बात है वो अब ये है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जब मैंने एक डैमेज कर्व ड्रॉ किया एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए, हो सकता है कि ये डैमेज कर्व इस टाइप का है, किसी इक्विपमेंट के लिए हो सकता है कि ये जो डैमेज कर्व है वो आपका ऐसा भी आ सकता है, किसी इक्विपमेंट के लिए हो सकता है कि ये डैमेज कर्व जो है वो आपका सेम इसके लिए, किसी के लिए इस टाइप से भी डैमेज कर्व आ सकता है, किसी का डैमेज कर्व ऐसा आ सकता है, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट पर डिपेंडेंट है। अब जिस टाइप का डैमेज कर्व होगा आपका इक्विपमेंट का, तो जब हम प्रोटेक्शन रिले की बात करेंगे तो हमारा प्रोटेक्शन रिले भी एग्जैक्टली इस डैमेज कर्व को मैच करना चाहिए। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब एग्जैक्टली इसको मैच करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसको कि पहले को हम बोलते हैं मॉडरेटली इनवर्स, कि हाई करंट पर लो टाइम, फिर दूसरा होता है स्टैंडर्ड इनवर्स, तीसरे टाइप का होता है लॉन्ग टर्म इनवर्स, शॉर्ट टर्म इनवर्स, एक्सट्रीमली इनवर्स, वेरी इनवर्स, और ये सभी आपके इक्विपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम किस टाइप के इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। अब इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो जब हम बात करते हैं पुराने जमाने की रिले की, जो अपने इलेक्ट्रोमैकेनिकल या स्टैटिक रिलेज होते थे, उसमें कर्व फिक्स थे। फिक्स मीन्स आपके पास एक नॉर्मल इनवर्स होगा, एक एक्सट्रीमली इनवर्स होगा, एक मॉडरेटली इनवर्स होगा, और इस टाइप के कुछ सिर्फ दो तीन कर्व होंगे। लेकिन ये हो सकता है कि कोई एक ऐसा इक्विपमेंट जिसको हम प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं वो इन तीनों टाइप के कर्व में फिट ना हो रहा हो, तो वहां पर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल में। लेकिन जब हम डिजिटल रिले की बात करते हैं तो डिजिटल रिले में हम पैरामीटर्स को एडजस्ट करके
डिफरेंट डिफरेंट कर्व बना सकते हैं, और ये हम फिर देखेंगे न्यूमेरिकल रिले की सेटिंग के टाइम पर कि क्या ऑप्शंस दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल रिले में। कुछ रिले के अंदर आपको पैरामीटर सेट करने होते हैं जिसके बेसिस पर हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि इंडक्शन डिस्क रिले जो पहले के मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो होते थे, उन रिले के टाइम पर आपके कर्व का जो शेप था वो फिक्स था, एडजस्टेबल नहीं था। तो आपके पास इनवर्स, वेरी इनवर्स, एक्सट्रीमली इनवर्स और मॉडरेटली इनवर्स, चार टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे और उसी में से कोई भी एक हमें सेलेक्ट करना होता था। लेकिन अब अगर हम आज के डिजिटल रिले की बात करते हैं तो उसमें हम कर्व अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं और उस कर्व को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आज के सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा क्योंकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू कोऑर्डिनेशन को समझेंगे। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो भी बताया गया है वो आपको क्लियर होगा। ये एक बहुत ही बेसिक सेशन था तो इसीलिए हमने इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ों की बात की कि डेफिनेट टाइम क्या होता है, IDMT क्या होता है, क्यों IDMT के डिफरेंट शेप्स होते हैं, नॉन डायरेक्शनल ओवर करेंट कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, ये हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे आने वाले टाइम पर। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो भी बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में इसके कंटिन्यूटी में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।